अभी तो पार्टी शुरू हुई है, आवाज नहीं पहुंची अभी बाहर तक, अभी भी नहीं पहुंची आवाज बाहर तक। अरे एक बार तेज की बोलिए सब मिलके, जय उत्तराखंड, जय उत्तराखंड। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे YouTube के चैनल ब्रजेश भंडारी में। और आज मैं आया हूँ इंदिरापुरम में, अहिंसा खंड क्लाउड 9 करके एक सोसाइटी है, वहाँ पर हमारा हो रहा है उत्तराखंड का एक प्रोग्राम, जो कि यहाँ पर सोसाइटी के लोग हैं उन्होंने किया हुआ है, ये मकरणी उत्तरायणी के उपलक्ष में। और जैसा कि आप देख सकते हैं ये लगा हुआ है टेंट, और यहाँ पर होंगी परफॉर्मेंस कुछ हमारे कलाकारों की। और ये यहाँ के सोसाइटी के लोग हैं जिन्होंने यहाँ पर ये प्रोग्राम किया हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हैं सामने ये स्टेज लगा हुआ है, जहाँ पर महिलाएं हमारे उत्तराखंड के परिधानों में नज़र आ रही होंगी, और चारों तरफ लोगों के बैठने की जो व्यवस्था की गई है, और सामने ये स्टार है। और ये यहाँ पर हमारे पारंपरिक तरीके से लोगों का स्वागत किया जा रहा है। और यहाँ पर औरतें जो हैं, महिलाएं जो हैं, महिलाओं ने पहने हुए हैं उत्तराखंड के परिधान। और यहाँ पर ये कुछ लोग, और यहाँ उत्तराखंड की महिलाएं अपने उत्तराखंड के परिधानों में और दिख रही हैं साज सज्जा के सामानों के साथ, जो कि बहुत ही बेहतरीन है और बहुत बढ़िया है। और देखकर लगता है कि बहुत अच्छे ढंग से यहाँ पर तैयारी की गई है। और चलिए देखते हैं आगे। और सामने आप देख सकते हैं बोर्ड हमारे संजय चौहान जी का, पहाड़ी घरात, जो कि उत्तराखंड के खानों के लिए फेमस है। और अब आ चुके हैं ढोल धमाऊ वाले, और ढोल धमाऊ का देखिए, ढोल धमाऊ पर ये देखो, महिलाएं जंगल से फल फूल एकत्र करके लाती थी, और पल्ले तो क्या होता नहीं था, पल्ले को ऐसे बांध देते। तो ये हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं पौड़ी गढ़वाल की कत्ती साड़ी। धन्यवाद। और कक्ष गो तुम्हार, कक्ष गो हमारे गाँव सतपुरी बड़खोलू, बड़खोलू। और वहाँ पर कौन से पौधिक होते हैं, वहाँ पर कौन से मेले होते हैं? पता नहीं, हम तो आए जो 50 साल पहले दिल्ली, 50 साल पहले दिल्ली आ गए। बचपन में पौधिक नहीं देखा कोई भी, देखी मकर संक्रांति और देवी पूजा, सब पूजा पाठ सब ठीक है, जागर अगर सब ऋषिकेश ससुराल कोट में 50-60 साल लेकिन अंदर दिल्ली आया, 60 वर्ष हुए तो मैं यकीन पैदा हुई। ये है डोली, जो कि डोली ले जाएंगे, डोली पे जिसे घुमाएंगे। और इन्होंने कार में करा हुआ है हिसाब किताब। और यहाँ पर है उत्तराखंड का बहुत सारा सामान, सब्जियाँ, और ये बिस्किट उत्तराखंड के, शहद, घी, रायता मसाला। और ये हैं लाल वाले, ये हैं लाल लाल वाले राजमा जोशीमठ वाले। और ये हैं भट्ट, ये हैं, ये भी एक दाल है, ये भी दाल होती है, ये चावल है, मे भी नहीं, ये चावल नहीं, ये कुछ और होता है, झुंगुरा है, झुंगुरा। ये है मंडुआ, मंडुआ, ये मंडुआ है। और ये लाल वाले राजमा है। और ये है सियारा रिटेल्स, सियारा बाटो त्यारो घर। तो ये है उत्तराखंडी उत्पादों का आपका अपना स्टोर। उत्तराखंड हमारा राज्य जो कि अपनी सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासतों के लिए प्रसिद्ध है, चारों धाम जिस राज्य से आते हैं, हमारा प्रयास इस कार्यक्रम के माध्यम से आप सभी को उस राज्य की एक झलक देने का है। और जो हमारे बुजुर्ग जो आप ये आप देख सकते हैं ऊंची ऊंची बिल्डिंगें हैं चारों तरफ, जो पहाड़ के कौती पहले ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच होते थे,
आज मैं आपको दिखा रहा हूँ कॉन्क्रीट के ऊंचे ऊंचे जो ये एक तरीके से पहाड़ कह सकते हैं या कॉन्क्रीट के जो जंगल हैं हमारे, उन जंगलों के बीच में ये कौती हो रहा है। और यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है, यहाँ इनके कार्यकारिणी के लोग को सम्मानित कर रहे हैं, कुछ बुजुर्ग लोगों को सम्मानित कर रहे हैं। और जैसा कि हमेशा हमारे घर प्रकाश मान रहे, ये पूरी सोसाइटी प्रकाश मान रहे, ये दिव्य ज्योति की रोशनी हमारे घरों तक पहुंचे। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ जैसे कि दीप ज्योति परम ब्रह्म, दीप ज्योति जनार्दन, दीपो हरति मे पापम, दीप ज्योति तो मित्रों, अब मैं आपको बताता हूँ इस संस्था के एक हमारे सदस्य हैं गणेश कोठारी जी से, जो कि हमें बताएंगे आज के इस कार्यक्रम में क्या क्या विशेष है और ये प्रोग्राम और ये संस्था के बारे में कुछ उनसे जानकारी। आइए सर, आपका स्वागत है। गणेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी, और आपका भी बहुत बहुत स्वागत है कि आप हमारे छोटे से प्रयास जो हमने उत्तरायणी का कौतिक स्टार्ट करा, अपनी संस्कृति को बने रहने के लिए, अपने नए बच्चों को, नई जनरेशन को उत्तराखंड से जुड़े रहने के लिए आपने उसके लिए हमें सहयोग दिया, टाइम दिया, उसके लिए बहुत बहुत आभारी हैं। हमारा ये क्लाउड 9 इंदिरापुरम अहिंसाखंड 2 में सोसाइटी है, जिसमें हम कम से कम 35 से 40 फैमिलियां उत्तराखंड की थी जो अभी अलग अलग थी। हमने एक मुहिम चलाई, हमारे गिरी साहब जी हैं, रोशन गिरी जी हैं, पंत जी हैं, भट्ट जी हैं, जोशी जी हैं, हम सब ने एक बार मिला कि हम देखते हैं कि हमारी सोसाइटी में कितना उत्तराखंडी है। उनको हमने एकजुट करा, ये कौतिक का हमने स्टार्ट करा कि हम अपनी संस्कृति को करें। और ये नंदा देवी यात्रा भी हमने स्टार्ट करनी है, उसके साथ में हमारे राम रथ यात्रा भी साथ साथ चलेगी, क्योंकि इस टाइम पे हमारा अयोध्या में राम का भव्य मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, तो वो भी है, तो हमारा साथ में राम रथ भी चलेगा। तो हम यही चाहते हैं कि उत्तराखंडी अपने उत्तराखंड की लोकल संस्कृति से भी जुड़े और सनातन धर्म से भी जुड़े, जो हमारी पहचान है, हिंदुस्तान की पहचान है, जो हिंदू राष्ट्र की पहचान है। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद सर। अच्छा, अपने नाम का छाप छोड़ जाते हैं, तो ये है हमारे संजय भाई की पहाड़ी घरात का स्टॉल, जहाँ पर कि आपको मिलेगा उत्तराखंड का स्वाद। मैं जिस भी मेले में जाता हूँ, जिस भी कौतिक में जाता हूँ, इस पहाड़ी घरात पे जाकर अपने उत्तराखंड का स्वाद जरूर लेता हूँ। कंडेले की सब्जी, उसके साथ मंडवे की रोटी, भात या झुंगरे का खीर और रायता, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें खाने को मिलती हैं और नए नए स्वाद मिलते हैं। और आज देखते हैं कि संजय भाई ने आज यहाँ पर क्या क्या चीज़ें करी हैं, क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं। और मे भी यहाँ पर चाय और पकोड़े हैं आज यहाँ पर विशेष, चाय के बाद यहाँ पर चाय भी है। ये हमारा सूप में ये चीज़ें डली है, और हमारा जो गौत पहाड़ की चीजों को बेचना तो हमारा मकसद है ही, लेकिन साथ साथ हम लोगों को बता भी रहे हैं कि उन चीजों से क्या बेनिफिट है आपको। अगर आप गोद की दाल खाते हैं, जैसे हमारे बुजुर्ग लोग पहले के लोग कहते थे कि जिनको पथरी हो जाती थी, उसके अगर उसका सूप पी लेते हैं तो उसकी पथरी के स्वतः से ही बॉडी से यूरिनल द्वारा अपना बाहर निकल जाती है, और जो उसका गोद जो रह जाता है उसके हम अगर खाते हैं तो सर्दियों में ठंड नहीं लगती है, बहुत गर्म, मतलब आदमी की बॉडी के अंदर बहुत जो हमें गर्माहट महसूस होती है उसको खाने से। ये सब चीज़ें हैं हमारा, मतलब हम कहने का मतलब हमारा ये है कि हम पहाड़ को और पहाड़ के कृषक जो हमारे भाई लोग वहाँ अनाज उगा रहे हैं, तो हमारा उनको प्रमोट करना है, पैसा कमाना नहीं है। पैसा तो आप देख रहे हैं कि हिसाब जो लगता है वो ये सब नॉर्मल एक प्लेट का हिसाब रखते हैं हम लोग, उसमें इतना नहीं हो पाता, लेकिन हमारा मेन मोटिव यही है कि हम पहाड़ को कैसे प्रमोट किया जाए। जब हमारा पहाड़ प्रमोट होगा तो नेचुरली कि बहुत सारे इनकम के रोजगार के सोर्सेस बन रहे हैं और बन भी गए हैं कई लोगों के। हम जैसे दाल खरीद रहे हैं पहाड़ से, और सब्जियां भी, हमने आज पहाड़ से पालक मंगाया, ये पालक जो है पहाड़ से आया है,
अभी हमारा जैसे हमने तिल पहाड़ के तिल की आज चटनी बनाई है, भांग नहीं मिला हमें तो आज हमने तिल की चटनी बना दी। तो हमने कहीं ना कहीं चाहते हैं कि पहाड़ को कहीं ना कहीं हम उसमें अपने पहाड़ का कोई ना कोई वो हमने अगर आज चाय बनाई तो उसमें भी पहाड़ की जो चाय पत्ती है उसका कहीं ना कहीं एक फ्लेवर दूसरी चाय के साथ उसको फ्लेवर डाला है कि कहीं ना कहीं लोगों के दिल में। और अदरक जो यूज करा वो भी पहाड़ का यूज करा है, काला वाला जो पहाड़ का अदरक आता है, एक तो वो सस्ता पड़ता है और दूसरी बात आपको उसको खाने के बाद ऐसा लगेगा नहीं कि उसमें कोई ऑर्गेनिक चीज डली है, खाद नहीं डली हुई है, ये केमिकल वाला अदरक नहीं है। जो पहाड़ का अदरक है वो शुद्ध गोबर, जो गायों का गोबर होता है या बकरियों का गोबर होता है उसको खेतों में डाल के जो अदरक उगाया जा रहा है उसी अदरक को हमने इस चाय में यूज करा है। और मतलब सारी चीजें पहाड़ की और खाएगा भी पहाड़ का आदमी। पानी गैस सिर्फ यहाँ का और हमारा, हम जो यहाँ के हैं अभी जो फिलहाल अभी उत्तराखंड के लोग हैं और उत्तराखंड का सारा सामान और खाएंगे भी उत्तराखंड के लोग। बिल्कुल नहीं, नॉन उत्तराखंडी भी यहाँ पर बहुत लोग आ रहे हैं अभी, जैसे आपने देखा था ये नॉन उत्तराखंडी लोग यहाँ पर आए थे। इसमें हम चाहते हैं कि वो लोग भी आए और हमने इसमें आज पहाड़ का जो आलू को, जो पहाड़ का आलू होता है उसको हम लो शुगर होती है लेकिन कम होती है उसमें, वो वाला आलू यूज करा है। उसके साथ हमने उसको प्याज और उसके पहाड़ी पालक के साथ हमने मिक्स करके उसको एक पकौड़े का रूप दिया। पालक के हम बहुत सारी चीज़ें भी बनाते हैं लेकिन आज हमने उसको एक नया रूप दिया है और आशा करता हूँ कि लोगों को देख ही रहे हैं कि आपका सामने के पसंद भी बहुत आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, लोगों को बहुत पसंद आ रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है। मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ भाई ब्रजेश भंडारी और भाई मुकेश जी का कि जो निरंतर हमारी संस्कृति को बढ़ाने के लिए हर कार्यक्रम में जाते हैं और वो अपने चैनल के माध्यम से रूबरू कराते हैं लोगों को, चाहे वो खान पान का हो, चाहे कलाकारों का हो, चाहे कोई भी चीज़ होती है उसको वो प्रमोट कर रहे हैं। मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन करूँगा कि इनका चैनल को आप ज़रूर देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें जिससे कि इनके भी व्यूअर्स बढ़ेंगे तो नेचुरली कि हमारे उत्तराखंड का बात जो है जन जन तक जाएगी और कहीं ना कहीं इनको भी कुछ ना कुछ उसमें सब्सक्राइब बढ़ने से इनको भी कहीं ना कहीं बेनिफिट होगा। तो मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय भारत, जय उत्तराखंड। ये मिला है यहाँ पर एक युवा उत्तराखंड का जिसका नाम है शोभित गुसाई और भैजी भैजी आपका नाम है किशोर भंडारी ग्राम बरखोला और तुम्हारा नाम और तुम्हारा गांव का है भैजी अमचोई नैनडांड ब्लॉक जिला पौड़ी गढ़वाल तल्लापट्टी चैंडांड चैंडपुर। तो ये जो इन्होंने सबसे पहले तो आज इस कार्तिक में आके तुम्हें कैसा लग रहा है ये जो मेला है और ये जो कैसा? देखो आज ये जो हमारा रीति रिवाज ची हमारा उत्तराखंड का जो संस्कृति थी जो हमारा उत्तराखंड का धरोहर ची वो धरोहर को बचाने का वास्ता जो दिल्ली NCR में ये हमारे जो मंथ च उत्तरायणी मकरेंडी कार्यक्रम तो तमाम संस्था और बड़े बड़े संस्था यू कार्यक्रम करवामी वो आज हम ये सोसाइटी मारे हुई। तो देखो प्रदेश में ये जो सोसाइटी का लोग छी यू लग रहा एक झलक अपना संस्कृति जो रीति रिवाज छी उत बचाने के वास्ते ही एक सोसाइटी में कार्यक्रम करा रहा। हालांकि बहुत धन्यवाद करना चाहूँ कि आप अपना ब्लॉग के माध्यम से हमारे संस्कृति आगे बढ़ाओ। धन्यवाद। जय बद्री विशाल, जय केदार, जय बद्रीघाट, जय कुमाऊ की जय। बहुत अच्छा लग रहा है कि अपनी संस्कृति का एक अच्छा प्रोग्राम हो रहा है और आप लोगों के माध्यम से हम ये चीजें उजागर कर रहे हैं तो हमें मतलब ये चीजें बहुत ही अच्छी उसमें करनी चाहिए और अच्छे हमारी उसका एक मतलब अपना एक उत्तराखंड का नाम होना चाहिए। धन्यवाद भाई जी। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये डोला जो हमारा माता का डोला होता है नंदा देवी का डोला ये चल रहा है और यहाँ पर हमारे आगे पंडित जी हैं और डांसर्स भी हैं पीछे और जैसे कि डोले पे इधर से 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 इध
गोसाली जी है ना, कहाँ से कैसे ले जा रहे हो सर, बता दो रास्ते में ना हो। श्री राधे, ये नहीं तो इनसे पूछो। Thank you.
तो यात्रा चल रही थी और यात्रा के बीच में हमें मिली है यामिनी कोठारी जो कि उत्तराखंड की एक युवा लड़की हैं। तो आइए उनसे थोड़ा सा उत्तराखंड के बारे में और ये जो प्रोग्राम हो रहा है और जो कौतिक है उसके बारे में बात करते हैं। तो आपको ये जो प्रोग्राम हो रहा है आप बता सकते हैं क्या हो रहा है? ये हमारी संस्कृति को रिप्रेजेंट करने के लिए कौतिक होता है हमारे उत्तराखंड का, वो है यहाँ पे हम अपने कल्चर के बारे में नॉर्मल लोगों को बता रहे हैं, हमारे बाकी स्टेट के बाकी देसी लोगों को हमारी भाषा में उनको बता रहे हैं कि हमारे कल्चर में क्या क्या होता है। हमारी स्टार्टिंग हो रही है नंदा देवी की झांकी से एंड देन उसके बाद हमारे सॉन्ग्स हैं, हमारे यू नो कल्चरल डांस है और हमारा खाना वगैरह जो जो हमारे यहाँ पे बनता है गैथ वगैरह सब चीज़ें होंगी सो दैट हम उनको अपने कल्चर से फेमिलियर करवाएं। सो दिस इज ऑल अबाउट आर फेस्टिवल दिस टाइम कि यहाँ और लोगों को जागरूक करने के लिए स्पेशली यंग क्राउड को बताने के लिए कि हमारे कल्चर में क्या क्या होता है वो सब दिखाने के लिए हम यहाँ पे सब इकट्ठा हुए हैं एंड क्लाउड नाइन में वी आर मेकिंग इट लाइक अ फेस्टिवल सो दैट वी कैन मेक इट एवरी ईयर और हम हर साल अपने कल्चर के साथ यू नो आए लोगों को और बताएं अपने कल्चर के बारे में, हम नई नई चीज़ें लेके आए एंड एज यू नो यंग जनरेशन हमें भी और पता चले और डेप्थ में हमारे कल्चर के बारे में। तो दैट्स व्हाट वी आर डूइंग हियर। थैंक यू सो मच और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके बिकॉज हमारा उत्तराखंड के जो मतलब मैंने जनरली देखा है कि उत्तराखंड के जो युवा होते हैं उत्तराखंड के जो यंग लोग हैं वो इस चीज़ में थोड़ा सा मतलब हेजिटेट करते हैं बात करने के लिए
बिकॉज अब हम लोग जो है या उत्तराखंड के जो यंग लोग हैं वो ही आगे इस कल्चर को लेके जाएंगे। और आपने बिल्कुल, हम तो एकदम आगे खड़े की उत्तराखंड को और आगे ले जाएंगे, उत्तराखंड के कल्चर को ही नहीं उत्तराखंड को भी आगे ले जाएंगे। एज अ यंग जनरेशन बीट एवरी फील्ड विल कम अक्रॉस विल मेक अ कल्चर इवन बेटर एंड यू नो मोर फेमिलियर टू पीपल, कि लोगों को और पता चले हमारे कल्चर के बारे में, हमारे खाने की आइटम्स के बारे में। अब नाउ इट्स सो पॉपुलर, पीपल शुड नो क्यों कितना हेल्दी होता है, हर चीज़ को बहुत ज़्यादा नेक्स्ट लेवल पे प्रमोट किया जा रहा है। एंड डेफिनेटली एज अ यंग जनरेशन विल डू दैट टू, सो दैट हमारे दोस्त वगैरह जो कि हमारे उत्तराखंड से नहीं है उनको हमारे बारे में और चीज़ें पता चले। थैंक यू सो मच, यू आर वेलकम, थैंक यू। जय 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 जय